केजीएफ का पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड्स है और फिल्म में इसके दूसरे अध्याय का नाम केजीएफ चैप्टर 2 रखा गया है। यस यानी रॉकी भाई को जिन्होंने हिंदी में आवाज दी है उनका नाम सचिन गोले हैं। आप उनकी एक झलक यहाँ देख सकते हो। ऑफर क्लोजेस सून। केजीएफ चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील सर ने कोलार गोल्ड फील्ड्स में सोने की खानों को दिखाने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ साथ वीएफएक्स यूज किए थे। लीड कास्ट के अलावा इस फिल्म में 800 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट को लिया गया जिन्हें आप यहां देख रहे हो। बाकी इतने आर्टिस्ट को बाहुबली और बाहुबली 2 में भी हायर नहीं किया गया था। केवल यही नहीं, ज्यादातर फिल्म मेकर्स ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और कॉपी पेस्ट से ही लोगों की भीड़ को मूवी में दिखाते हैं। एरी एलेक्सा SXT जैसी हाई डेफिनेशन कैमरे को सिनेमेटोग्राफर भुवन गोंडा ने कंधे पर रखकर सारे एक्शन सीन शूट किए थे ताकि शॉट परफेक्टली लिया जा सके। इतना ही नहीं, इस एक कैमरे का वजन ही 40 किलोग्राम है। वैसे इस फिल्म में 150 से ज्यादा कैमरे यूज हुए हैं जिन्हें डिफरेंट एंगल दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको बता दूं कि भुवन गोंडा सर डायरेक्टर साहब के पसंदीदा सिनेमेटोग्राफर हैं। उन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 को बनाया था। इसके अलावा प्रभास के साथ उनकी अगली फिल्म सालार में भी भुवन गोंडा ही सिनेमेटोग्राफर हैं। फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर नवीन सेट्टी है। इनके अलावा योगी जी राज भी थे। आप उन्हें और उनकी टीम को कलाकारों को कॉस्ट्यूम पहनाते हुए देख रहे हो। यहाँ उनके द्वारा अधीरा यानी संजय दत्त को तैयार किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि उनके सूट का वजन यानी अधीरा के सूट का वजन ही 25 किलोग्राम था जिसमें लेदर कॉटन जूट इत्यादि यूज किए गए हैं उस कपड़े को बनाने में। श्रीनिधि सेट्टी और यश का कॉस्ट्यूम डिजाइन सानिया सरधारिया ने किया है। उन्होंने लीड कास्ट को मॉडर्न और रेट्रो लुक बखूबी और पूरे परफेक्शन के साथ दिया था, तभी तो इस फिल्म के लुक से लेकर स्टाइल तक फेमस हो गए हैं। वैसे तो फिल्मों में कार चेजिंग सीक्वेंस को वीएफएक्स स्टूडियो में ही शूट करके दिखाया जाता है, बट इस फिल्म में ओरिजिनलिटी का पूरा ध्यान रखा गया था। यहाँ पर आप जिस कार को देख रहे हो जिसमें कि रॉकी रीना को बचाने जाता है, दरअसल यह फोर्ड मुस्तांग 1969 है जो कि काफी महंगी कार है। मुख्यतः केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म की शूटिंग कोलार गोल्ड फील्ड्स के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद और मैसूर में शूट किया गया है जिसके बारे में आप आगे जानोगे। वैसे तो मूवी में कोलार गोल्ड फील्ड्स के कुछ ही डिस्टेंस पर रॉकी का रॉयल प्लेस था, बट असल में उनके घर को दिखाया जो गया है वह लोकेशन हैदराबाद के ताज फलकनुमा पैलेस का है। बट फिल्म में हमें ये दोनों चीज एडिटिंग के जरिए एक साथ यानी अगल बगल में दिखाई गई थी। मूवी का यह सीन उस समय का है जब रॉकी को देखकर लगता है कि वह अब सब कुछ हार चुका है, बट वह इनायत अली से डील करने दुबई चला जाता है। तो वहां जो बीच वाली लोकेशन पर यह वाली शूटिंग आप देख रहे हो वह एक्चुअली इंडिया का ही लोकेशन है। कर्नाटक के पाडुकेरे बीच के मलपे में इस वाले सीक्वेंस की शूटिंग हुई थी। अब क्लाइमेक्स के इस सीन को देखिए, आपको क्या लगता है कि क्लाइमेक्स बनाना कितना डिफिकल्ट होगा? फिल्म मेकर्स ने अपने टोटल बजट का 15% हिस्सा क्लाइमेक्स के लिए ही बचा कर रखा था, यानी सिर्फ क्लाइमेक्स पर ही 12 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे। एंड लास्ट वाला फाइटिंग सीन है जहां पर अधीरा और रॉकी को लड़ते हुए दिखाया गया है जो कि काफी दमदार फाइटिंग सीक्वेंस में से एक है। तो इस जगह पर दोनों ने दमदार फाइटिंग तो करी है, बट जानकर आपको अच्छा लगेगा कि इस एक्शन सीन के लिए ना तो यश और ना ही संजय दत्त ने कोई डबल बॉडी इस्तेमाल किया है, यानी कि यहां कोई भी डबल बॉडी नहीं है।
ब्यूटी पेजेंट श्रीनिधि जी, जिन्होंने इस फिल्म में रीना का किरदार निभाया है जो कि रॉकी की वाइफ रहती है, यहाँ उन्हें आप बिहाइंड द सीन में देख रहे हो। वो अपने शॉट को खुद से देख भी रही है एंड वो काफी अच्छा फील कर रही है। और यह क्लिप होली का है। वह और उनकी टीम यानी KGF टीम ने इस साल सेट पर ही होली खेला था। उन्हें गुलाल लगे हुए आप देख रहे हो। एंड मैं आपको बता दूं कि श्रीनिधि जी इस फिल्म के लिए यानी KGF फिल्म के लिए बड़ी बड़ी 7 फिल्मों का ऑफर अब तक ठुकरा चुकी है ताकि वह रॉकी के साथ स्क्रीन शेयर कर सके। क्लाइमेक्स का यह धांसू सीन है जिसके शॉर्ट्स और रील आजकल खूब वायरल हो रहे हैं। यह सीन फिल्म में आपको कुछ ऐसे दिखाया गया था। यहाँ पर रॉकी खतरनाक लुक में मिनिस्टर को मारने पहुंचता है, तो फिल्म में दिखाए जाने वाला यह सीन एक रियल लोकेशन का है, यानी कि इसे VFX स्टूडियो में बनाया नहीं गया था, बल्कि यह लोकेशन मैसूर के इंफोसिस कैंपस का है जो कि कर्नाटक में स्थित है। इस जगह पर AK-47 की ढेर लगी हुई है और यहाँ पर कुछ पुराने जमाने की जीप और एम्बेसडर कारें भी दिख जाएगी आप लोगों को। तो यह इसी शूटिंग लोकेशन का BTS है। यह इंफोसिस कैंपस मैसूर का बाहरी एरिया है। इस जगह हैंडसम रॉकी भाई का प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन से पहली मीटिंग होती है जिसका BTS आप यहां देख रहे हो। इस जगह पर रॉकी रेड कलर के सूट में नजर आए थे जो कि इन दिनों काफी ट्रेंड कर रहा है। इस तरह के कॉस्ट्यूम, इस तरह का आउटफिट आजकल लड़के खूब पसंद कर रहे हैं। यहाँ वो काफी हैंडसम लगे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह इंफोसिस कैंपस मैसूर के अंदर का ही एरिया है। पहले बाहर वाला एरिया जो आपको मैंने अभी दिखाया एंड ये उसके अंदर का है। ये काफी प्राइम लोकेशन है, आप इस जगह को देखकर भी खुद समझ सकते हो। आप लोग यह लोकेशन देख रहे हो, असल में यह KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स का लोकेशन है। इसी जगह पर मूवी का 50% हिस्सा बना है। यह कर्नाटक के कोलार में ऐसी एक असली जगह है। यहाँ पर सच में सोने की बहुत सारे खदानें थी कभी। तो KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 की पूरी स्टोरी कोलार गोल्ड फील्ड्स में बनी सोने की खदानों पर आधारित है। यह लोकेशन बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एंड KGF चैप्टर 2 का भी सेट यही है। वैसे तो KGF की स्टोरी काल्पनिक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे आप लोग रियल कोलार गोल्ड फील्ड से रिलेट कर पाओगे। साल 1981 की प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन यश को इंडिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल बताकर उनके खिलाफ डेथ वारंट सिग्नेचर करती है, लेकिन उससे पहले यश गरुड़ा को मारकर कोलार गोल्ड फील्ड के ऊपर अपना साम्राज्य खड़ा कर लेता है और फिर कोलार गोल्ड फील्ड से निकलने वाले सोने को अपनी मन मर्जी कीमत पर वह बेचता है। रियलिटी से भी आप लोगों को रूबरू करवाऊं तो 1979, 1980 और 1981 में गोल्ड की रेट बहुत तेजी से बढ़ी थी। 1902 में कोलार नामक इस जगह पर गोल्ड माइनिंग शुरू हुई थी। माइनिंग के लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगाए गए थे। उस समय ब्रिटिश की हुकूमत थी जिससे कि उन्होंने भारत में गोल्ड माइनिंग के लिए एक डैम बनवाया जिसे कावेरी डैम कहा जाता है। तो इस डैम से काफी मात्रा में बिजली उत्पादन की जाती थी। मैं आपको बता दूं कि तब एशिया में कुछ ही चुनिंदा देशों में इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज आई थी, जिसमें सबसे फेमस था जापानी पावर हाउस जो कि आसपास के देशों को बिजली प्रोवाइड करता था। कावेरी डैम से इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी कि आसपास के शहरों को भी इसका फायदा मिलने लगा था। यही वह बड़ी वजह है जिससे कि बेंगलुरु देश का सबसे पहला बिजली संपन्न शहर बन गया था, जो कि फैक्ट भी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यह लोकेशन रियल है, KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील सर चाहते तो ये पूरी फिल्म VFX स्टूडियो में भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ जो सेट तैयार किए गए थे उनके पीछे काफी मेहनत लगी है। एंड मैं आपको बता दूं कि KGF मूवी के कोलार गोल्ड फील्ड के इस सेट को बनाने में 9 महीने लगे थे और 250 लोग प्रतिदिन काम करते थे। देखिए, गोल्ड माइनिंग के लिए साइनाइड का यूज किया जाता था पहले। यहाँ जो आप इस जगह पर इतने बड़े विशालकाय गड्ढे देख रहे हो, यह फिल्म मेकर्स द्वारा नहीं करा गया, बल्कि ये माइनिंग करने से ही इतना बड़ा गड्ढा बना है। अब सोचो कितनी ज्यादा साइनाइड यहाँ यूज किए गए होंगे।
यहाँ तक कि इस जगह पर साइनाइड के पहाड़ भी बन गए हैं एंड उसकी धूल से फिल्म मेकर्स और क्रू मेंबर्स को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो आप लोगों ने यहाँ जाना कि KGF चैप्टर 2 को बनाने में कितना हार्ड वर्क लगा है। KGF चैप्टर 2 मूवी को बनाने में लगे हार्ड वर्क के बारे में आप लोगों ने तो जान ही लिया। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि ये फिल्म कितनी मुश्किलों से बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।